कश्मीरी मुसलमान से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो देश की गद्दारी करे, हिंदुओं से नफरत करे, वो जिहाद के लिए अपने बेटों को भेजे और इस तरह की चीज़ें। मगर हर फैमिली ऐसी नहीं थी और मेरी फैमिली भी उनमें से एक थी। देशवासियों को ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसी फैमिलीज़ को यहाँ पे किस तरह की सैक्रिफाइसेस करनी पड़ी। मेरे दादाजी जो जेके पुलिस के एक ईमानदार ऑफिसर थे, उनको झूठे केस में 9 महीने के लिए जेल में बंद रखा गया सिर्फ इसलिए कि अपने पंडित दोस्त को हमले से बचाने की उन्होंने जुर्रत की। मेरे चाचा, उनको घंटों तक पुलिस स्टेशन में बिठाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे घर की बिजली काट दी जाती थी, हमारे घर के आंगन में कचरा फेंका जाता था। जब वो इसकी कंप्लेन करने गए तो घंटों तक उन्हें पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। मेरे मामा जो ड्रग अब्यूज के खिलाफ बात किया करते थे, वायलेंस के खिलाफ बात किया करते थे, उन्हें भरी दोपहर में मार दिया गया। दहशतगर्दों ने उनका कत्ल कर दिया।